आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सोल्व पेपर एलजेब्रा का 2017 का सॉरी 2016 का सोल्व पेपर है, ये हमें सॉल्व करना है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, वो ग्रुप होता है, ग्रुप के किसी अवयव की कोटि को परिभाषित कीजिए। यदि ग्रुप जी में किसी अवयव ए की कोटि एन है तो ए की पावर पी का मतलब यहाँ इस तरह से है फ्रेंड्स, जैसे जी और स्टार इसमें संक्रिया है तो ए स्टार ये पी बार है तो इसको हम ए की पावर पी लिख देते हैं। इसकी कोटि भी एन ही होगी तथा पी तथा एन जहाँ पे जो पी है और एन है सापेक्षिक अभाज्य हैं। सापेक्षिक अभाज्य से मतलब है अपना फ्रेंड्स, जैसे अगर यहाँ पे पी बराबर 9 है और एन बराबर 11 है तो ये दोनों सापेक्ष अभाज्य हैं। इसी तरह 9 एंड 10 9 10 ये जो अभाज्य हैं मतलब ये इसका भाग इसमें नहीं जाना चाहिए और इसका भाग इसमें नहीं जाना चाहिए। इस तरह की संख्या सापेक्षिक अभाज्य होती है। अब ये सापेक्षिक अभाज्य हमें ये प्रूव करना है। अब फ्रेंड सबसे पहले हम किसी अवयव की कोटि की जो ऑर्डर होता है सो डिग्री की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। किसी ग्रुप के किसी अवयव की कोटि, माना जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी, ये कोई जी का अवयव है, तब एक छोटे से छोटा धनात्मक पूर्णांक एन इस प्रकार विद्वान होगा कि ए की पावर एन बराबर ई, तो एन को अवयव ए की कोटि कहा जाता है तथा इसे ऑर्डर ऑफ ए से शो करते हैं हम। मतलब कि हमारे पास कोई इसमें इस तरह से अवयव विद्यमान होगा कि अगर उसके बारे हम एन बार संक्रिया यूज करें, ए स्टार पर एन बार संक्रिया यूज करें तो ये ए एन बराबर अपने पास ई आ जाए, तो ए की कोटि जो है वो अपने पास एन हो जाएगी। अब ये कोटि जो है एन ये छोटी से छोटी संख्या है, इससे कोई भी छोटी संख्या ऐसी नहीं हो सकती कि उससे कोटि एन आ जाए। यदि इस प्रकार का पूर्णांक का अस्तित्व नहीं है तो अभी अब ये अनंत कोटि का कहलाता है। अगर ऐसा कोई भी एन नहीं है, हम ए स्टार इस तरह से हम एन बार सो एन से अनंत बार करें, हम ये अनंत बार करें और फिर भी हमारे पास ये नहीं आए, अब हमारे पास ई नहीं आए तो हमारे पास ये कहते हैं कि अनंत कोटि का अवयव है। और ये सिर्फ उन्हीं में होगा जब हमारे पास कोई अनंत डिग्री का मतलब कोई अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित ग्रुप होगा उसी में होगा। अगर कोई ग्रुप परिमित है तो उसमें हमारे पास ये नहीं होगा, हमारे पास प्रत्येक अवयव की कोटि हमारे पास कुछ ना कुछ मिल जाएगी। अब हमने माना कि ऑर्डर ऑफ ए पी बराबर एम और ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन, ये हमने मान लिया। अब हमें प्रूव करना है यहाँ पे एम बराबर एन है, हमें ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करने के लिए हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, ए की पावर एन बराबर ई, तो ए की पावर एन को क्या लिख सकते हैं हम, ये कोई पी से छोटा है एन से छोटा होगा तो इसको लिख सकते हैं ए की पावर, सॉरी दोनों तरफ हमने इसके पी बार इसको ऑपरेट कर दिया तो ए की पावर एन का पावर पी और ई की पावर पी, ये होगा ए की पावर एन और पी। बट ये अपने पास ई की पावर कितनी, ई को कितनी बार ऑपरेट कर लें हम तो हमारे पास वो ई होता है, तो ये होगा ए की पावर एन पी बराबर ई या ए की पावर पी एन बराबर ई। और एन क्या अपने पास छोटा से छोटा पूर्णांक संख्या है तो हमारे पास ये पता चल गया यहाँ से, ए की पावर पी मतलब जो ए की ऑर्डर है वो एन से कम है, ज़्यादा नहीं हो सकती, इससे कम है इसका, ये हमारे पास पता चल गया क्योंकि ए की पावर एन बराबर ई और ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन। अब एम लेस देन इक्वल टू एन तो हमारे पास प्रूव हो गया। अब हमें साथ में प्रूव करना है एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन, अगर हम ये दोनों प्रूव कर दें तो इस कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा कि एम बराबर एन ही एक कंडीशन हो जाएगी हमारे पास। अब हमने मान लिया साथ ही मान लिया पी तथा एन सापेक्षिक अभाज्य, पी तथा एन का एच मतलब इस तरह से होगा कि हमारे पास ये इस तरह से होगा पी क्यू प्लस एन आर इक्वल टू वन या ए एम बराबर ए की पावर पी क्यू डॉट ए एन आर, ए की पावर ए पी क्यू और ए की पावर एन आर। बट फ्रेंड्स ए की पावर पी क्यू ये अपने पास ए एन आर है, बट ए की पावर एन क्या है अपने पास ई है, तो ये आ गए सोल्व करने पर ए की पावर पी क्यू ये आ गया अपने पास। अब फ्रेंड्स ए पी क्यू की पावर एम, क्योंकि ए एम बराबर ए पी क्यू एम बराबर ए एम पी क्यू या ए एम पी एंड क्यू, तो ये आ गया ए पी को अंदर ले जा सकते हैं, एम एंड क्यू को बाहर ले गए हम, तो ये ए पी बराबर क्या अपने पास ई था तो ये हो गया ई की पावर क्यू, ये पूरा ये ई की पावर क्यू बराबर ई हो गया।
इसलिए ऑर्डर ऑफ पी हो रहा एम। तो ऑर्डर ऑफ एम बराबर क्या आ गया अपने पास ई, मतलब ए की पावर एम बराबर ई आ गया। तो ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू एम आ गया ये। और दूसरी कंडीशन थी हमारे पास, या फिर इसको लिख सकते हैं एन इज लेस देन इक्वल टू एम। पहले हमारे पास आया था वो था एम ग्रेटर देन इक्वल टू एन। जब दोनों कंडीशन से हमारे पास ये हो जाता है एम बराबर एन, या ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी। क्वेश्चन को इस फ्रेंड आप फिर से देख लीजिए अच्छी तरह से एक बार। आप वीडियो को रोक के आराम से क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप वीडियो को रोक के क्वेश्चन देख सकते हैं इस तरह से। ये वीडियो को रोक के और क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हुआ था अपने, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था ये। उसके बाद ये क्या है हमने, फिर हम यहाँ पे चले हैं और ये लास्ट में हमने ये सॉल्व किया है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वो आता है सिद्ध कीजिए कि एन कोटियों के समूह सभी क्रमचयों का समुच्चय ए एन एक समूह होता है जिसका समूहांक रूट एन अपॉन टू होता है, ये हमें प्रूव करना है। अब फ्रेंड्स अब ये प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि दो समुच्चयों का गुणनफल एक समुच्चय होता है। अतः एक समुच्चय ए एन निम्न प्रकार से अभिग्रहित जो परीक्षण करेंगे वो इस तरह से करेंगे। इस पहले साचार्यता, क्योंकि सभी समुच्चयों का पूछा है हमारे पास, फिर सभी सम का पूछा है। तो अब सम का पूछा है, तो अब पहले हम साचार्यता सिद्ध करते हैं। फलनों के गुणनफल साचार्य होते हैं, फलनों हम जानते हैं सिंपली कि फलनों के जो गुणनफल होते हैं वो साचार्य होते हैं, तथा क्रमचय एक फलन होता है, अतः यह संक्रिया ए एन के लिए साचार्य होगा, इसके लिए लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिख सकते हैं तत्समक का अस्तित्व, क्योंकि तत्समक समुच समूह एक सम क्रमचय होता है, अतः सभी क्रमचयों का समुच्चय ए एन भी एक सम क्रमचय होता है। अब प्रतिलोम का हम अस्तित्व निकालते हैं, तो प्रतिलोम का अस्तित्व के लिए हम लिख सकते हैं चूंकि प्रत्येक सम क्रमचय का प्रतिलोम एक सम क्रमचय होता है, अतः परीक्षण ए एन का प्रतिलोम ए एन में भी विद्यमान होगा, ये हो गया। अतः ए एन क्रमचय गुणन के लिए एक गुणन ग्रुप है। अब ग्रुप ए एन का ग्रुपांक ज्ञात करना। अब हम माना कि समुच्चय एस एन में ई वन ई टू डॉट डॉट ई एम सम समुच्चय है, तथा जी ओ वन ओ टू डॉट डॉट ओ आर विषम समुच्चय है। तब एस बराबर एस एन बराबर आ गया ई वन ई टू डॉट डॉट ई एन एंड ओ वन ओ टू डॉट डॉट ओ आर, ये तो ई वन हो गए, ये ऑड हो गए अपने पास। अब फ्रेंड्स चूंकि ऑर्डर ऑफ ए एन क्या था अपने पास, वो एम, और ऑर्डर ऑफ बी एन क्या है अपने पास, वो आर। देन ऑर्डर ऑफ ए एन बराबर ऑर्डर ऑफ बी एम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एस एन, ये अपने पास तो उससे आ गया फ्रेंड्स अपने पास एम प्लस आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल। अब माना कि ये कोई पक्षांतरण है, इसका कोई पक्षांतरण कर रहे हैं हम, तो पक्षांतरण में एक विषम क्रमचय होता है एल्फा ई वन प्लस एल्फा ई टू डॉट डॉट एल्फा ई एन विषम क्रमचय, तथा एल्फा ओ वन एल्फा ओ टू डॉट डॉट एल्फा ओ आर एक सम क्रमचय, क्योंकि हमने सिंपल यहाँ पे सम पे जो किया था, जो क्योंकि ये विषम होता है तो सम प्लस मतलब इवन प्लस ऑड वो हो जाता है, ऑड हो जाता है, ये हो जाता है इवन प्लस इवन इक्वल टू ऑड हो जाता है, ये हो गया। अतः एस एन का ये सभी एस एन के अभी अभी हैं, परंतु एक सम क्रमचय कभी विषम क्रमचय नहीं हो सकता। अब हम पहले ये सिद्ध करते हैं कि एक सम क्रमचय है वो कभी विषम क्रमचय नहीं हो सकता, इसके लिए हमने एल्फा ई आई इक्वल टू एल्फा ओ जे, ये हो सकता है, जहाँ ई आई एक सम क्रमचय तथा ओ जे एक विषम क्रमचय है। अब ई एल्फा ई वन एल्फा ई टू डॉट डॉट एल्फा ई एम में से कोई भी दो अभी अब समान नहीं होते, क्योंकि अगर एल्फा ई आई इक्वल टू एल्फा ई जे है तो एल्फा आई इक्वल टू एल्फा जे हो जाएगा, क्योंकि हमने ये कैंसिल कर दिया। इसी तरह एल्फा ओ जे इक्वल नॉट एल्फा ओ जे है तो आई इक्वल नॉट जे होना चाहिए, ये हो गया हमारे पास कैंसिलेशन लॉ से। अब यदि एल्फा ई वन एल्फा ई टू डॉट डॉट एल्फा ई एम प्रत्येक विषम क्रमचय है, परंतु विषम क्रमचयों की संख्या आर आर है, इसलिए एम लेस देन इक्वल टू आर हो जाएगा। इसी प्रकार एल्फा ओ वन एल्फा ओ टू डॉट डॉट एल्फा ओ आर प्रत्येक सम क्रमचय है, परंतु सम क्रमचयों की कुल संख्या एम है, तो आर लेस देन इक्वल टू एम हो जाएगा। अतः अब सेकेंड एम थर्ड से दोनों को दोनों क्वेश्चन से हम देख सकते हैं आराम से एम इक्वल टू आर हो गया। अतः एक से हमारे पास होगा एम प्लस आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल, एक ये क्या था, ये था एम प्लस आर इक्वल टू एन फैक्टोरियल, ये था। इससे हमारे पास ये एम इक्वल टू आर, तो टू एम इक्वल टू टू आर,
या एन फैक्टोरियल, या एम बराबर आर बराबर एन फैक्टोरियल अपॉन टू। फिर जो कि हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, अतः ए एम के सब समक्रमचयों की संख्या एन फैक्टोरियल अपॉन टू है, समूह ए एन का गुणांक एन फैक्टोरियल टू होगा, ये होगा लिख दिया हमने, क्योंकि ए एन में जो समक्रमचय थे वो एन फैक्टोरियल अपॉन टू है, तो जो गुणांक होता है उनके नंबर्स होते हैं वो आ गए अपने पास एन फैक्टोरियल अपॉन टू। अब फ्रेंड्स अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था अपने पास, सिद्ध कीजिए कि किसी ग्रुप जी के दो अपग्रुपों का संघ उपसमूह होता है यदि और केवल यदि वे एक दूसरे में अंतर्विष्ट हो। यानी हमारे पास कोई दो दो दिए हुए हैं अपने पास उपग्रुप, और उनका अगर संघ ले यूनियन ले, तो अगर वो उपग्रुप होगा यदि और केवल यदि या तो H1 H2 को कंटेन कर रहा हो या H2 H1 को कंटेन कर रहा हो। तो हमें ये इसके लिए हम सॉल्व करते हैं सर प्रतिबंध की आवश्यकता, नेसेसरी कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो माना H1 व H2 ग्रुप G के दो उपग्रुप हैं, तथा माना H1 कंटेन H2 ये, या तथा H2 कंटेन H1 कोई एक कर रहा है, ये हमने मान लिया। जब H1 यूनियन H2 बराबर H1 हो सकता है या H2 हो सकता है, क्योंकि ये किसी एक को कंटेन कर रहा है, तो H1 यूनियन H2 या तो H1 होगा या H2 होगा। अतः जो कि H1 और H2 खुद स्वयं उपग्रुप हैं, तो इस कंडीशन में ये जो होगा अपने पास H1 यूनियन H2 जे का उपग्रुप हो जाएगा। अब अपने पास नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या लिखते हैं, सफिशेंट कंडीशन लिखते हैं। सफिशेंट कंडीशन होते हैं माना, सफिशेंट कंडीशन में क्या करते हैं हम, जैसे अगर H1 यूनियन H2 एक वो अपने पास हम ग्रुप ले लेंगे, तो हमें शो करना होगा कि उसमें H1 या तो H1 H2 को कंटेन कर रहा होगा या H2 H1 को कंटेन कर रहा होगा। अब इसको शो करने के लिए माना कि जी के दो उपसमूह H1 व H2 इस प्रकार है कि H1 यूनियन H2 भी एक उपसमूह है। हमने दो उपसमूह मान लिया H1 एंड H2, और उनके उपसमूह मान लिया H1 मतलब H1 यूनियन H2 को हमने उपसमूह मान लिया। अब हमें सिद्ध करना है या तो H1 यूनियन H2 है या H1 सबसेट ऑफ H2 है या H2 सबसेट ऑफ H1 है। यदि संभव हो तो हम मान लेते हैं, हम कॉन्ट्राडिक्शन के हेल्प से करते हैं इसको। यदि संभव हो तो मान लें कि H1 नॉट कंटेन H2 तथा या H2 नॉट कंटेन H1। हमने मान लिया कि या तो H1 ये दोनों एक दूसरे को कंटेन नहीं कर रहे। तब अगर H1 नॉट कंटेन H2 अगर ये कंटेन नहीं कर रहा, तो ये अभी अब ऐसा होगा H में कि जो कि H2 में नहीं होगा। हमने ये मान लिया ये बिलोंग्स टू H1, ये इस तरह से होगा कि वो H2 में नहीं होगा। इसी प्रकार अगर H2 नॉट कंटेन H1 देन देयर एग्जिस्ट, मतलब जो अगर H2 कंटेन नहीं कर रहा H1 में, तो बी ये H2 में एक ऐसा अवयव होगा जो कि H1 में नहीं होगा, ये हमने मान लिया है। परंतु ए बिलोंग्स टू H1 देन ए बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2, क्योंकि हमने पर ये तो माना है ए बिलोंग्स टू H1 है, तो ए बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 भी कर रहा है, और बी बिलोंग्स टू हमने H2 माना है, तो बी बिलोंग्स टू H1 यूनियन H2 होगा, क्योंकि वो H1 में तो कंटेंट कर रहा है ना। यहाँ पर जैसे A1 H1 में कंटेंट कर रहा है, तो H1 यूनियन H2 में भी कंटेंट करेगा। इसी तरह B H2 में कंटेंट कर रहा है, तो H1 यूनियन H2 में भी कंटेंट करेगा। साथ ही हमने जो माना है वो माना है कि H1 यूनियन H2 एक उपग्रुप है, तो उपग्रुप है, तो हमने इसके समरत्ता नियम से A स्टार B होगा वो भी H1 यूनियन H2 में कंटेंट करेगा। अब ये अपने पास ये हो गया, परंतु ए बी बिलोंग्स टू H1, क्योंकि ये यूनियन है H2 में, इसमें या तो वो ए बी बिलोंग्स टू H1 करेगा या ए बी बिलोंग्स टू H2, किसी ना किसी में से कंटेंट करना होगा। यदि हम पहले मान लेते हैं ए बी बिलोंग्स टू H1 कर रहा है, तब ए बिलोंग्स टू H करेगा और ए इनवर्स भी बिलोंग्स टू H1 में करेगा, क्योंकि ए H1 में है अपने पास, तो ये अपने पास H1 में है, तो ए इनवर्स भी H1 वर्स में होगा, क्योंकि ये वो H अपने पास क्या है ग्रुप है, H1 अपने पास ग्रुप है, तो हमने पास दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, तो A इनवर्स H A इनवर्स डॉट A B इक्वल टू H1, क्योंकि ये H का भी अब है, ये H का भी अब है, ये H का भी अब है, तीनों H1 में आ गए, तो E डॉट B बिलोंग्स टू H, B बिलोंग्स टू H। परंतु हमने पहले माना था, वो माना था बी बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू H1, जो कि हमने हमारे पास विरोधाभास हो गया, अतः ये तो हो गया अपने पास H1 नॉट कंटेन H2। अब फिर से इसी तरह हम इसको सॉल्व करें, यदि ए बी बिलोंग्स टू H2 बी बिलोंग्स टू H2 है, तो B इनवर्स भी बिलोंग्स टू H2 होगा, तो ए डॉट बी ये भी तो बिलोंग्स टू H2 है, तो बी इनवर्स जो कि H2 में है उससे हमने ऑपरेट करा दिया, तो ये हो गया ए बिलोंग ए डॉट ई बिलोंग्स टू H2 ए बिलोंग्स टू H2। परंतु हमने जो माना था उसमें हमारे पास ये बिलोंग्स टू H2 ये डज नॉट बिलोंग्स टू H2 आ रहा था, तो अपने पास ये कंडीशन आ गई कि जो कि अपने पास दोनों कंडीशन से विरोधाभास हो गया,
जो हमने हमने मान के चले थे कि कंटेन नहीं करे, लेकिन हमारे पास उसका कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो उस कॉन्ट्राडिक्शन से हम कह सकते हैं या तो एच वन इंटर से कंटेन करेगा एच टू को, या एच टू कंटेन करेगा एच वन को। अब फिर से आपने पास अगला क्वेश्चन वो है टू का बी, चक्रीय ग्रुप को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप एक चक्रीय होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि कोई भी ग्रुप है एक चक्रीय ग्रुप है, पहले उसका जो उपग्रुप है वो भी एक चक्रीय उपग्रुप होगा। अब सबसे पहले चक्रीय ग्रुप के हम डेफिनेशन देखते हैं, वो है माना ग्रुप जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि किसी किसी ग्रुप जी कोई ग्रुप है वो जी चक्रीय ग्रुप कहलाता है यदि इसमें एक ऐसा अवयव विद्यमान हो कि जी के अन्य अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सके। मतलब कि इसमें कोई एक ऐसा अवयव होगा जिसकी कोटि जो ग्रुप जी की कोटि के इक्वल होगी, ये भी बोल सकते हैं हम। तो ऐसा ग्रुप होगा वो चक्रीय ग्रुप होगा, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं अगर हम अगर ए को ए स्टार से परिभाषित करें, ए स्टार स्टार से परिभाषित करें, मतलब ए ए डॉट ए इसको एन बार हम परिभाषित करें, मतलब एन बार इस पर संक्रिया लगाएं, तो इस कंडीशन में अपने पास उसके सारे अवयव आ जाने चाहिए। ये कि ये पर ही हमें संक्रिया लगाते हुए हमें उसके सारे अवयव आ जाएँ, तो ऐसा ग्रुप होगा वो चक्रीय ग्रुप होगा। अब हमें प्रूव करना है कि जो चक्रीय ग्रुप का उपग्रुप होगा ना वो भी अपने पास एक चक्रीय उपग्रुप होगा। मान लो कि जी बराबर ये कोई चक्रीय ग्रुप है, ये जहाँ इसका जनक फलन है अपने पास जिसका जनक ये है, तथा एच इसका कोई उपग्रुप है, एच इसका जी का कोई उपग्रुप मान लिया हमने। यदि एच बराबर जी या एच बराबर ई ये है, तो अपने पास ये स्वतः ही मतलब एच बराबर जी तो खुद ही एक चक्रीय है, और एच बराबर ई एक ही अवयव है, और जो एक अवयव होता है वो खुद ही चक्रीय ग्रुप होता है। तो ये तो अपने पास क्लियरली प्रूव हो गए। अब हमने प्रूव कर लिया, अब हम मान लिया कि माना कि एच है जो जी के कोई उच्चतम उपग्रुप है, मतलब कि वो ना तो जी के इक्वल है ना ही ई के इक्वल है वो, तो हमारे पास ये आ जाएगा एच सबसेट ऑफ जी, इसलिए एच का प्रत्येक अवयव एक ही घात में होगा। ये भी कन्फर्म है, एच का जो प्रत्येक अवयव होगा वो एक ही घात के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि ये जी का जनक फलन है। माना कि एम न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, जो एम को हमको न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक मान लिया कि सच दैट कि ये एम बिलोंग्स टू एच। साथ ही माना कि एच एक स्वेच्छ अवयव है, साथ ही मान लिया कि ये जो ये का ये है ना वो एच का कोई स्वेच्छ अवयव है, तब हम विभाजन विधि से हम क्या लिख सकते हैं, एस बराबर एम क्यू प्लस आर, सॉरी ए की पावर एस, ये कोई स्वेच्छ अवयव है इसका, ये तो एस बराबर लिख सकते हैं एम क्यू प्लस आर, जहाँ आर है वो अपने पास आर जो है अपने पास वो 0 से बड़ा है और एम से छोटा है। आर है वो 0 लेस देन एम, ये इस तरह परिभाषित है आर अपने पास। तो ये हो गया आर बराबर एस माइनस एम क्यू, ये हो गया। तो ये हमें ऑपरेटर ऑपरेट कर दिया इस पर, तो ए की पावर एर बराबर ए की पावर आर बराबर एक पावर आर होता है। तो उस कंडीशन में ए की पावर आर तो एक जगह रख लिया, और ए की पावर आर की जगह दूसरा रख दिया ए की पावर एस माइनस एम क्यू, ये हो गया। चूँकि एच चूँ जो एच है वो जी का उपग्रुप है, इसलिए ए बिलोंग्स ए एस बिलोंग्स टू एच, तो माइनस ए एम बिलोंग्स टू एम सॉरी एच, तो ए एस बिलोंग्स टू एच हो गया, ए माइनस एम की पावर क्यू बिलोंग्स टू एच हो गया, तो ए एस बिलोंग्स टू एच हो गया, ये ए की पावर माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू एच हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया ए एस माइनस एम क्यू आल्सो बिलोंग्स टू एच कर दिया हमने। इस तरह से हमने मतलब कि वो एच के जो अवयव हैं उसी पर हम ऑपरेट करा रहे हैं। तो ये हो गया ए की पावर एस माइनस ए की पावर एस माइनस एम क्यू बिलोंग्स टू एच हो गया, और तथा ए आर बिलोंग्स टू एच भी है, ए आर बिलोंग्स टू एच भी है, जहाँ आर है वो अपना 0 लेस देन आर लेस देन एम है, परंतु एम तो एक न्यूनतम ऐसा धनात्मक पूर्णांक है जिसके लिए ये एम बिलोंग्स टू एच कर रहा है। वो एम है जो न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, इस तरह से है कि ए एम बिलोंग्स टू एच, अगर एम से कोई छोटा धनात्मक पूर्णांक लें हम तो वो एच में कंटेन नहीं करेगा, इसलिए ये एम ए आर बिलोंग्स टू एच, अगर ए आर बिलोंग्स टू एच करेगा ये तभी संभव है जब आर इक्वल टू 0 हो, क्यों आर इक्वल टू 0 पे वो ए आर बराबर ई हो जाएगा, तो एस बराबर हमारे पास आ गया एन क्यू। परंतु ए आर तो एच का एक स्वच्छ अवयव है, क्योंकि हमने आर लिया था ए आर लिया था वो एच का एक अवयव लिया था, अतः ए एस बराबर ए एम क्यू आ गया, या ए एम की पावर क्यू आ गया। ये लिख दिया हम, एस का प्रत्येक अवयव ए एम के पूर्णांक घात के रूप में लिखा जा सकता है। हमने ये प्रूव कर दिया कि ये कोई स्वच्छ अवयव उसका लिया हमने वो इसके पूर्णांक घात के रूप में हम लिखा जा सकता है, ये लिख दिया। तो अतः जी भी जी का जो ग्रुप है वो भी एक चक्रीय उपग्रुप होगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं।